खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ढाई घंटे का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को पुनः मैंने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के साथ अररिया जिले के अररिया, फारबिसगंज, सिकटी, कुर्साकांटा, पलासी, जोकीहाट, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ, पूर्णिया जिला के बैसा, वायसी, अमौर एवं कटिहार जिले के बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करीब 4 घंटे तक हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के पश्चात पूर्णिया के चूनापुर हवाई अड्डे पर पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त एवं पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ एवं बचाव तथा राहत कार्य की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। लौटते वक्त मैंने कोसी नदी के बढ़े जलस्तर वाले सुपौल, सहरसा जिलों के इलाकों तथा पुनः दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। संभावित बाढ़ और सुखाड़ की आपदा की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों के सचिवों, प्रधान सचिवों के साथ मैंने 3 जून को समीक्षा बैठक की थी। पुनः 6 जुलाई को मैंने उप मुख्यमंत्री, सभी संबंधित विभागों के मंत्रीगण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, सचिव के साथ बाढ़ की पूर्व तैयारियों एवं सुखाड़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त 12 जुलाई एवं 14 जुलाई 2019 को बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति एवं उस पर उठाए गए कदमों के विषय में मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागीय सचिवों के साथ विस्तृत समीक्षा की। विगत 3-4 दिनों से नेपाल के तराई इलाकों में पिछले वर्षों में सामान्य तौर पर 50 मिलीमीटर औसत वर्षापात की तुलना में इस वर्ष 280 से 300 मिलीमीटर वर्षापात हुआ है। बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे नेपाल से निकलने वाली कई नदियों यथा कमला बलान, बागमती, लाल बेकिया, अघवारा समूह की नदियां, कोसी, परमान, बकरा, कनकई और महानंदा में अधिक जल स्राव के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कमला नदी के नेपाल स्थित जलग्रहण क्षेत्र में 12 जुलाई 2019 को भारी वर्षापात हुआ और 13 जुलाई 2019 को और अधिक वर्षापात हुआ एवं 203.60 से लेकर 319.80 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया। फलस्वरूप कमला नदी में अत्यधिक जलस्राव प्राप्त हुआ एवं मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर में कमला वियर सह ब्रिज के लगभग 2 फीट ऊपर तक जल का बहाव होने लगा। झंझारपुर रेल पुल के निकट वर्ष 1987 में कमला नदी का उच्चतम जल स्तर 54.34 मीटर था। उस जल स्तर में 16 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई और बढ़कर 54.50 मीटर का हो गया। कमला नदी में अत्यधिक जलस्राव प्राप्त होने के कारण कमला बलान बायां तटबंध 2 स्थलों पर एवं कमला बलान दायां तटबंध 6 स्थलों पर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके फलस्वरूप मधुबनी जिले के जयनगर, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर, बाबूबरही, लदनिया प्रखंड तथा दरभंगा जिले के तारडीह, घनश्यामपुर एवं गौड़ा बौराम प्रखंड प्रभावित हुए। बागमती नदी के नेपाल स्थित जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षापात होने के कारण बागमती नदी के ढेंग स्थल पर 14 जुलाई 2019 को 73 मीटर का नया उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया, जो अपने पूर्व के जल स्तर से 40 सेंटीमीटर अधिक रहा है। इसके अलावा बागमती नदी के सोनाखान स्थल पर उसी दिन 72.05 मीटर का उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया, जो कि अपने पूर्व के जल स्तर से 1.28 मीटर अधिक रहा। बागमती नदी में आई बाढ़ के कारण शिवहर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिले के लोग प्रभावित हुए। वर्तमान में बागमती नदी पर निर्मित तटबंध सुरक्षित हैं। ललबकिया नदी में
अत्यधिक जलस्राव प्राप्त होने के चलते पूर्वी चंपारण एवं शिवहर जिले के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। अधवारा समूह की विभिन्न नदियों यथा रातो, अधवारा, धौंस आदि में अत्यधिक जलस्राव प्राप्त होने के चलते सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले में मधवापुर, हरलाखी, बेनीपट्टी प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए। खिरोई नदी में कमतौल ब्रिज के पास मुरैठा गांव में बांध टूटने से दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में पानी का फैलाव हुआ। कोसी नदी में हनुमान नगर स्थित बराज पर दिनांक 13 जुलाई 2019 को 3,71,110 क्यूसेक का जल स्राव प्राप्त हुआ, जो कि पिछले 15 वर्षों का सर्वाधिक है। कोसी नदी के सभी तटबंध सुरक्षित हैं, परंतु सुपौल, सहरसा एवं मधेपुर, मधेपुर लखनौर प्रखंड जिला अंतर्गत तटबंध के भीतर रहने वाले लोग प्रभावित हुए। परमान, बकरा, कनकई एवं अन्य नदियों में अधिक जल स्राव के कारण अररिया जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मेची, डोंक एवं महानंदा नदी में अत्यधिक जलस्राव प्राप्त होने के चलते किशनगंज जिले के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। महानंदा नदी में दिनांक 15 जुलाई 2019 को ठेंगरा घाट में 37.18 मीटर तथा झौआ में 32.36 मीटर का जल स्तर रिकॉर्ड किया गया। ढेंगरा घाट एवं झौआ में महानंदा नदी खतरे के निशान से क्रमशः 1.51 मीटर एवं 1.23 मीटर ऊपर बह रही है। महानंदा बेसिन में अवस्थित सभी तटबंध सुरक्षित हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए 796 मानव बल तथा 125 मोटर बोट के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इनके द्वारा अभी तक लगभग 1,25,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। आज दिनांक 16/7/2019 के 10 बजे पूर्वान तक प्राप्त सूचना के अनुसार शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार एवं पूर्णिया। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने हवाई जायजा लिया है हालात का और उसके बारे में बाद वो ये जानकारी दे रहे हैं सभा को कि देखिए बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी है दरअसल उसके लिए नेपाल जिम्मेदार है।